हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th कंप्यूटर वायरस चैप्टर. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ओके, तो फुल फॉर्म क्या होती है वायरस की? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, अपने अंदर ही उसको सीज कर लेता है. ठीक है, वो वायरस होता है. वायरस क्या होता है? यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है या कोड होता है जो यूजर की बिना परमिशन के, विदाउट योर परमिशन, क्या होता है, आपके कंप्यूटर में लोड होता है. यानी आपको मालूम नहीं होता है और ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में क्या होता है, लोड हो जाता है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको ब्लॉक कर सकता है. आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, लीक कर सकता है, जो कि बहुत क्या होता है, डेंजर हो सकता है. सो जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो तो उसमें बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं. चाहे आप कंप्यूटर ऑनलाइन यूज कर रहे हो, ऑफलाइन यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए, उसमें बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं. तो कुछ थ्रेट्स हैं जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे वॉर्म्स हो गया, मैलवेयर हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसम हो गया एंड एडवेयर हो गया. दीज आर द 6 थ्रेट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे. सो फर्स्ट वॉर्म्स. वॉर्म्स क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है. यानी जो कंप्यूटर को हार्म करने वाला प्रोग्राम होता है वो क्या होता है कि बेसिकली करता क्या है, आपकी मेमोरी को ईटअप कर जाता है. यानी आपकी जो मेमोरी, जो फ्री स्पेस है, उसको खा जाता है, उसको फिल कर देता है अनवांटेड चीजों से. और क्या होता है, आपका प्रोग्राम धीरे, कंप्यूटर आपका धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है. और ये फैलता कैसे है, कंप्यूटर में नेटवर्क के थ्रू. आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें कनेक्ट होती हैं या किसी नेटवर्क में आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, तो एक कंप्यूटर में आ गया तो उससे अपने आप दूसरे पे चला जाएगा, दूसरे से तीसरे पे चला जाएगा. ये किसी पर्टिकुलर टाइप के फाइल को अटैक नहीं करता, बल्कि क्या करता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें करता है. जैसे क्या करेगा, कुछ आप देखोगे कि पहले आपके पास 10 फाइलें थी, अगले मिनट देखोगे आपके पास 20 फाइलें हो गई, फिर क्या हो जाएगी, 40 फाइलें हो जाएंगी. मतलब जो फाइलें हैं वो उनको क्या कर देगा, बढ़ाता चला जाएगा. उसमें कुछ रहेगा डेटा नहीं, मगर उसको क्या करेगा, रिप्लिकेट कर देगा और आपका स्पेस क्या कर देगा, धीरे धीरे कंज्यूम कर लेगा पूरा और आपका प्रोग्राम कंप्यूटर स्लो हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, मालवेयर. मालवेयर क्या होते हैं? ये भी मेलिशियस प्रोग्राम ही होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे आपके बिना परमिशन के इंस्टॉल होते हैं. और बेसिकली ये करते क्या है, आपके सिस्टम को बार बार अबनॉर्मली रिबूट कर देते हैं. जैसे आप कुछ वर्क कर रहे हो, बीच में आपका प्रोग्राम क्या, कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, फिर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा. क्या करेगा, आपकी एक फाइल है उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, उसकी जो साइज है उसको बढ़ा देगा. इस तरह से करके ये भी क्या करता है, आपके प्रोग्राम को स्लो डाउन कर देते हैं, आपके कंप्यूटर पे क्या करता है, हार्म करता है. ट्रोजन हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जैसा कि आप नाम से ही मालूम है, ट्रोजन हॉर्स के बारे में एक ट्रॉय की स्टोरी फेमस है कि वहां पे कुछ एक हॉर्स था लकड़ी का, उसको लेके आते हैं लोग, फिर सोचते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, मगर होता क्या है कि उसमें सैनिक्स होते हैं अपोनेंट के, और वो क्या करते हैं, उसको अटैक करके हरा देते हैं. तो सेम काम यहाँ पे भी होता है. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये आपको लगता है कि यूजफुल है, यानी आपको लगेगा कि कोई यूजफुल प्रोग्राम्स है, मगर वो क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेगा. ठीक है, आपको मालूम नहीं होगा और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह सेंड कर देगा. जैसे आपको लगेगा कि आप इंस्टॉल कर रहे हो कोई चीज, जैसे आप ऑडियो या वीडियो प्लेयर डाउनलोड कर रहे हो, और वो बैकग्राउंड में क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराता हुआ और डेवलपर के पास सेंड करता जाएगा. तो ये हो गया ट्रोजन हॉर्स. नेक्स्ट है स्पाईवेयर. स्पाईवेयर नाम से ही क्लियर है, स्पाई करने के लिए होता है. यानी किसी भी यूजर्स की एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए ये क्या होता है, कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया जाता है. और इसमें भी जितने भी मैलिशियस प्रोग्राम है, इन सब में यूजर्स को मालूम नहीं होता, बिना उसकी परमिशन के उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तो ये बाय डिफॉल्ट होगा सब में. और ये क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए यूज करता है, किया जाता है, और फाइंड किया जाता है कि यूजर्स कैसा है, क्या करता है कंप्यूटर पे, कैसे वर्क्स वो करता है. रैंसम. रैंसमवेयर क्या होते हैं, ये रैंसम का मतलब होता है फिरौती लेना. ठीक है, फिरौती मांगना. तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स में आपकी जो यूजफुल चीजें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपके एक्सेस होते हैं या पासवर्ड वगैरह होते हैं, वो चुरा लिए जाते हैं और आपको तब तक नहीं मिलते हैं वापस जब तक कि आप उसके बदले में कुछ पैसा या फिरौती या जो भी चीज होती है, जो डेवलपर की डिमांड होती है, आप पे नहीं करते हो तब तक आपको वो चीजें वापस नहीं मिलती हैं. नेक्स्ट एडवेयर. एडवेयर क्या, नाम से ही क्लियर है, ये क्या करते हैं, एड्स डालते हैं. ठीक है,
कंप्यूटर में, जिससे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी साइट पे जाते हो तो क्या होता है, अपने आप पॉपअप नीचे लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे आते रहते हैं, आप उस पर जैसे क्लिक करते हो दूसरे जगह आपको ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से ये रिवेन्यू जनरेशन क्या काम करता है पॉपअप्स के थ्रू, और ये इतने टाइप के आज हम लोगों ने डिस्कस किए मलिशियस सॉफ्टवेयर। ओके, थैंक यू।